चाल है आप सबके? आए हो आप सब ठीक होंगे। तो आपका भाई पहुंच गया आज बनास नदी में। ये देख लो आप। यार नदी में आगे ब्लॉग बनाने के लिए एक स्कॉर्पियो है, एक मेजर जीप है, एक ट्रैक्टर ट्रॉली है और एक जेसीबी है। तो ब्लॉग के साथ साथ काम भी कर रहे हैं हम और ब्लॉग भी शूट होता रहा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना प्लीज यार। यार दोस्तों यहाँ है क्या है, बकरी वगैरह जो ये है इनको चराने के लिए पानी पानी पिलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। नदी में पानी भरा हुआ है और नदी किनारे उधर वो गांव बसा हुआ है, देख लो आप पीछे दिख रहा होगा आपको, पूरा हरा हरा पूरा गांव बसा रखा है एक तरफ। तो दोस्तों ये है बनास नदी जो कि सुरोई झोपड़ा गाँव के बगल में निकली हुई है। मैंने आपको पहले कभी शायद इसका वीडियो व्लॉग नहीं बनाया था, पहले बनाया था जो वो शायद आपने देखा नहीं होगा, वो मेरे चैनल पे भी नहीं है। ये देख लेते हैं, शानदार पानी भरा हुआ है और ये भेड़ बकरी चराने वाले इधर घूम रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में हरा हरा भी हो रखा नदी का एक बहुत काफ़ी लंबी चौड़ी नदी है, पर इसको क्या है लोगों ने बजरी निकाल के पूरी नदी हाल दी कर दी, देखो आप कितनी चौड़ी कर दी इसको। पानी का इलाका भी बस बीच बीच का रास्ता है ये, बाकी और पूरा ये खराब कर दिया पूरा, चारों तरफ से बजरी निकाल के इतनी लंबी चौड़ी कर दी इसको। और ये आप जो देख रहे हो ना, ये मिट्टी नहीं है, ये पूरी बजरी भरी हुई है, पूरा नदी का नक्शा बिगाड़ के रखा है बजरी वालों ने यार। बाकी एक नंबर बरसात के टाइम में तो इतना शानदार नज़ारा होता है, देखने लायक होता है। काफ़ी लंबी चौड़ी नदी है, उसमें क्या डैम बना दिया बीच में, तो इसलिए पानी रुका हुआ है थोड़ा, 20-25 किलोमीटर आगे जाके एक डैम बना दिया, बीच में पानी रोक लिया इसलिए इधर कम पानी। अभी 2-5 दिन पहले बरसात हुई, उसका पानी भरा हुआ है। भयंकर गर्मी हो रखी है और अभी टाइम हो रखा है 10:45, देख लो आपको दिख रहा होगा शायद 10:45 बजी अभी तक और इतनी भयंकर गर्मी, धूप पड़ रही है, हालत खराब है, मतलब मेरे से तो खड़ा भी नहीं हो जा रहा। पर यहाँ पानी के बगल में खड़े होने से क्या है, ये देखो ये पानी भरा हुआ है, ये पानी के आ गया मैं तो, एक नंबर ठंडी चिल्ड हवा रही है यार, क्या मस्त, मतलब अपने घर का एसी कूलर फेल है, गर्मी एहसास नहीं हो रहा। अब जैसे उधर वो ये इधर पूरी ये बालू रे ये सॉरी बजरी पड़ी हुई है, इधर जा खड़ा होता हूँ ना इतनी भयंकर गर्मी लगती है हद से ज़्यादा, पर यहाँ पानी के पास में बिल्कुल ठंडी चिल्ड हवा रही है यार। यार तो नदी में क्या है, गाय भैंस बकरी वगैरह सभी खाने को भी इनको मिल जाता आराम से यहाँ। और ये देखो आप भैंसे कैसे नहा रही है, बिल्कुल पानी में उतर के नहा रही है, बिल्कुल एक नंबर मजा आ रहा है। खाने से मतलब नहीं है, पानी में बैठ के बस आराम से बैठ रहेगी शांति की आराम से, इनकी क्या चमड़ी थोड़ी जलती है तो पानी वगैरह बैठ जाती है। यार आपका भाई आपके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ ब्लॉग बनाने के लिए पहुंच जाता है, बताओ। अब इसी तपती दोपहर के अंदर मैं बनास नदी के अंदर अकेला घूम रहा हूँ, ये नदी है इसका नाम बनास नदी है, हाँ यार बनास नदी है ये। और इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, देखो आप यार हालत ख़राब होगी मेरी पूरा तो। और वो जीप में बैठ के आया था, मैं जीप लेके आया था तो उसमें क्या पूरा मिट्टी का और हो गया। चलो खैर वो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका भाई आपके लिए इतना सब कुछ कर सकता, पर प्लीज़ यार भाई थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, फॉलो करो, फेसबुक देख रहे हो तो फॉलो करो, यूट्यूब पे देख रहे हो नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो प्लीज़ यार दोस्तों, कुछ तो करो प्लीज़ दोस्तों, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत पुराने तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।